सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आपने देखना शुरू कर दिया है पंकज की किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले खीरा की खेती के बारे में। खीरा की खेती के बारे में किसान भाइयों, कल हमने कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें से 60% के ऊपर किसानों ने हमसे कहा कि आप खीरा की खेती के बारे में एक बेहतरीन वीडियो, इसकी वैरायटी के बारे में कि हम कौन सी वैरायटी खीरा की फरवरी में लगाएं और इसके बेसल डोज के बारे में हमें जानकारी जरूर दीजिए। किसान भाइयों, वैसे तो हम खीरा की खेती काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं, जैसा कि आपने इस चैनल पे हमारी बहुत सारी वीडियो को आपने देखा होगा खीरा की खेती करते हुए। किसान भाइयों, खीरा की खेती जो है वो फरवरी के महीने में यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा जो है मिलने वाला होता है, क्योंकि ये खीरा अगेती में आपका टूटता है और 20 रुपए से 25 रुपए किलो आपकी मंडियों में होलसेल होता है। किसान भाइयों, खीरा की खेती करके आप 1 एकड़ में 2 से 3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं, यदि थोड़ी सी सही जानकारी, थोड़ा सा बीज का सही चयन और बेसल डोज के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो जाए तो आप खीरा की खेती में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आने वाली सारी जानकारी आपको मिल सके। कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके और आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। किसान भाइयों, हम खीरा की 3 वैरायटियां जो स्पेशल वैरायटियां हैं उसी को लगाते आए हैं और उसी के बारे में हमें जो अनुभव है हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम अपने खेत में लगाए थे आज के 3 साल पहले ताइवान का निंजा वैरायटी आती है। किसान भाइयों, निंजा वैरायटी की ये खासियत होती है, चाइनीज है, इसकी खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा तेज से जो है फल में वृद्धि होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है इसमें फूल आता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इसमें फल आता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो ये निंजा वैरायटी की ही तोड़ाई हो रही है और 1 दिन के बाद दूसरे दिन इसको तोड़ना पड़ता है, भर भर के ये जो है इसमें फल आते हैं, फूल आते हैं और बहुत अच्छी वैरायटी है। इसमें एक इसकी जो कमी है वो कमी इसमें ये है कि ये जो है 20 से 25 दिन यानी 20 से 30 दिन तक ये चलती है, उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो 20 से 30 दिन ही चलती है लेकिन आपका घर जो है वो खीरा से भर देती है, आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। ताइवान की निंजा वैरायटी के बारे में हमने आपको बताया, 45 दिनों में जो है इसमें फूल आता है और 50-55 दिन में इसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है। किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी का जो हम चयन करते हैं, जिसको हम लगाते हैं, वो है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का इनाम खीरा जो हम लगाते हैं किसान भाइयों, इसकी साइज जो है छोटी होती है, ये हरे रंग का होता है और फल फूल इसमें भी खूब भर भर के आता है। और इसकी जो मेन खूबी है किसान भाइयों, ये जो है 1.5 महीने के आसपास यानी 45-50 दिन तक आपको फल फूल और आपको आमदनी देता रहता है। त्रिमूर्ति का इनाम जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो है वो उसकी साइज छोटी होती है इसलिए मार्केट में आसानी से बिक जाता है। किसान भाइयों, जो बहुत सारे किसानों के यहाँ खीरा पैदा होने लगता है और बहुत सारा खीरा जो है मंडियों में आने लगता है, उस समय खीरा जो है सस्ता हो जाता है और उस समय छोटे खीरे की मांग रहती है और इनाम खीरा जो है उस साइज में छोटा होता है, इसलिए वो आसानी से बिक जाता है। किसान भाइयों, आप BNR का खीरा लगा सकते हैं, आप रिजवान कंपनी का खीरा लगा सकते हैं, आप हाइब्रिड कंपनी के किसी भी बीज को लगा सकते हैं जो आपकी एरिया में चलता हो। किसान भाइयों, अगर आप खीरे की खेती हाइब्रिड बीज के माध्यम से करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा होता है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं बेसल डोज के बारे में। जमीन में खीरा लगाने से पहले आपको कौन सी ऐसी खाद का प्रयोग करना है जिससे कि आपके फसल में बहुत अच्छी उपज आए और रोग बहुत कम लगे। किसान भाइयों, बेसल डोज में सबसे पहले हम 1 एकड़ की बात करते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए आपको DAP जो है 2 बैग डाल देना है, 1 क्विंटल DAP आप डाल दीजिए। MOP जो होता है, लाल रंग का पोटास होता है किसान भाइयों, उसको 1 बैग आप डाल दीजिए। मैग्नीशियम मैग्नेट मैग्नीशियम आता है किसान भाइयों, वो 4 kg 1 एकड़ में डालना है। सल्फर और जिंक को भी आप 4-4 kg 1 एकड़ में डाल दीजिए। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद आप खेत की अच्छी तरह से जुताई करके और उसके बाद उसमें आप खीरा को लगा सकते हैं।
किसान भाइयों, खीरा को लगाने के लिए जो विधियां हैं उसमें आप उसको मेड़ी बना के लगा सकते हैं, आप उसको मल्चिंग के सहारे पे लगा सकते हैं, और आप उसको जो है उसमें झालर लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों, इसमें हम मल्चिंग लगा के और इस प्रकार से जो है इसमें खीरे की बुआई करने वाले हैं। ये हमारी पिछली वीडियो थी जो हमारे पास थी, तो हमने इसको जो है आपको अभी दिखा रहे हैं जिससे को आपको सही समझ में आ जाए। किसान भाइयों, बहुत सारी जानकारियां हमारे पास हैं, बहुत सारी खेती हम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की खेती करते हैं। मल्चिंग कैसे लगाई जाती है, किस प्रकार से सिंचाई होती है, कौन कौन सी खाद का, कौन कौन सी दवा का कब हम स्प्रे करते हैं, ये सारी जानकारियां किसान भाइयों आपको पंकज की किसान पाठशाला चैनल पर उपलब्ध हैं। और हम समय समय पर आप सबको, आप सबसे पूछ के हम अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देते रहते हैं। किसान भाइयों, एक बार आपसे अपील करते हैं कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने किसान दोस्तों को शेयर भी करें और कमेंट करके कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। आप सभी का पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।